हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, आज से हम नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज़ होगा छत्तीसगढ़ व्यापम के आने वाले जो एग्ज़ामिनेशन है, छत्तीसगढ़ व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे आपको उन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, क्या वेटेज रहता है हर एक सब्जेक्ट का, और किस तरह के क्वेश्चन गत वर्षों में पूछे गए हैं, और आगे क्या संभावना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस हिसाब से हम इन जो लेक्चर सीरीज़ है इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ामिनेशन में, आपके प्रिपरेशन में आपको मदद मिल सके। तो आज जो ये लेक्चर सीरीज़ है, इसमें मैं आपको कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि जो मंडी निरीक्षक का सिलेबस है या और भी व्यापम के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो क्या है, कितने भागों में वो टूटा हुआ है, और कितने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में, व्यापम में अच्छा स्कोर लाने के लिए मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितने टॉपिक्स में जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो डिवाइडेड है। तो लगभग 10 टॉपिक्स है, 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर के उपयोग। देखिए, कंप्यूटर के उपयोग, जैसे कि हम सामान्य तौर पर भी देखें तो हमको ये समझ में आता है कि कंप्यूटर का, जब आप देखेंगे मार्केट में भी आप जाएंगे तो देखेंगे, तो कहीं शॉप में कंप्यूटर्स दिखेंगे आपको, मेडिकल शॉप्स में कंप्यूटर्स दिखेंगे, बैंक्स में कंप्यूटर्स दिखेंगे, जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ पर भी डेटा की प्रोसेसिंग की काम हो रही है वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसी को हम डीप में आगे जो लेक्चर सीरीज़ बनेगी उसको पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को, और हर एक टॉपिक से लगभग 20 से 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। वही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और इन्हीं रिपीटेशंस को आपको देखना है कि किस टॉपिक का वेटेज क्या होता है। तो जैसे कंप्यूटर के उपयोग की बात की जाए तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, जैसे कि आजकल आप देखते हैं फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, जो सारी चीज़ें हैं आप कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो ये सब किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो हम कंप्यूटर के उपयोग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर सीरीज़ में। तो पहला टॉपिक हमने देख लिया क्या है हमारे सिलेबस में, कंप्यूटर का उपयोग। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज़ टॉपिक नंबर 2, वह है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या हार्डवेयर का यूजेस होता है। सबसे पहले देख लीजिए आप, मॉनिटर है इसमें, मॉनिटर के साथ में सीडी, डीवीडी ड्राइव है, स्पीकर्स है, ये सारा कुछ आपने देख रखा है, ठीक है, ये सारा कुछ आपने देख रखा है। लेकिन अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, या किसी एक की कमी से क्या क्या नुकसान है वो हो सकता है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसमें कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो हमने सेकंड टॉपिक क्या देखा, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है प्रिंटर के प्रकार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ामिनेशन में, अपन के हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, या उनकी जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, प्रोसेसिंग है, या कितने पर मिनट में कितने पेजेस ये प्रिंट करते हैं, ठीक है, किस तरह के टेक्निक पे ये काम करता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन से लेकर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और स्पीड से लेकर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम वाला जो टॉपिक है ना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी भी है। ट्रिकी इन द सेंस कि जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे एग्जामिनेशन में, तो इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि इनमें से आप बताइए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है। या ऐसे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ओपन सोर्स कौन सा है। अब आप पूछेंगे कि ओपन सोर्स क्या है, तो ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़, इनमें से ओपन सोर्स कौन सा, तो आप सब जानते हैं बेसिकली लिनक्स या यूनिक्स जो होता है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। मतलब ये रेडिली अवेलेबल है, ऑनलाइन आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच का लिंक का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
जैसे कि आपका हार्डवेयर क्या हो गया, मॉनिटर है ना, मॉनिटर मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए आपके पास होता है सीपीयू। तो ये सीपीयू क्या करता है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये याद रखना है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपके सिलेबस में है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सिर्फ नाम आपको याद नहीं रखने, इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सामान्य जानकारी। ये सामान्य जानकारी नहीं होती, बेसिकली आपको इसमें बहुत डिटेल में ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको एक्सेल देखना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखना होता है, पावर पॉइंट देखना होता है, एक्सेस देखना होता है। अब इसकी ऑब्वियसली सामान्य जानकारी में क्या होगा कि ये कैसे कैसे काम करता है, कौन 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 सी चीज़ें टूल बार में होती है, फॉर्मेटिंग में क्या होता है, शॉर्टकट क्या होते हैं इसके, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना है। और इसके काफ़ी, अगर आप एक बार इसको अच्छे से कर लेंगे इस टॉपिक को, तो काफ़ी आसानी से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आप एक से दो बार रिवाइज़ कर लेंगे तो इस पे आपकी कमांड हो जाएगी, क्योंकि वही वही चीज़ें, जैसे कि आप शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो वही वही चीज़ें रिपीट होती है, बस जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो शॉर्टकट कीज़ है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो मैं आपको बता दूंगी कि उसको कैसे याद करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में आता है इंटरनेट के उपयोग। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग ऑब्वियसली ये सब तो आप बहुत बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन इसमें भी कम्युनिकेशन में यूज़ है इसका, फाइल शेयरिंग में यूज़ है। ठीक है, जैसे कि जब हम फाइल शेयर करते हैं, जब आप कोई वेबसाइट पे काम करते हैं, जब आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है अपनी होस्टिंग लेने के समय, तो आपको क्या करना पड़ता है, FTP का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कंप्यूटर ये जो सिलेबस है इसमें थोड़ा सा इस पर कमांड रखेंगे तो आप मैक्सिमम 15 से लेकर 18 या मैक्सिमम 20 तक भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो स्टैटिक सब्जेक्ट है, और स्टैटिक सब्जेक्ट से स्कोर करना बहुत आसान होता है, बस आपको ज़रूरत है बार बार रिवाइज़ करने की। तो ये मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या इसमें यूज़ है, मतलब HTTPS क्या होता है, सिक्योर नेटवर्क क्या होता है, और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वही सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर सीरीज में इंक्लूड करेंगे। चलिए देखते हैं एंटीवायरस के प्रकार। देखिए, एंटीवायरस भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। ठीक है, कि जब भी आपको अब पूछेंगे कि वायरस क्या है, तो वायरस ये वो वाला वायरस नहीं, नॉट कोरोना वायरस एंड समथिंग एल्स, ये वायरस एक कोड होता है। ठीक है, एक कोड होता है कि ऐसी फाइल होती है जो खुद को बार बार रिपीट करती है और आपके सिस्टम को वर्क करने में डिस्टर्ब कर देती है। जो चीज़ डिस्टर्ब करे दैट इज़ वायरस, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एक कोड होता है, जैसे वर्म हो गया, नॉर्टन हो गया, ठीक है, ये सारे जो हो गए, मालवेयर हो गया, आपने सुना होगा मालवेयर सबसे ख़तरनाक वायरस होता है जो कि बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं आते कि टाइप्स ऑफ वायरस क्या है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसमें पूछता है कि ये वाला वायरस कौन से सेक्टर को जाके प्रभावित करता है। अगर इतना डीप क्वेश्चन आया तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, तो हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हम काफ़ी डिटेल में अपनी लेक्चर से इसको लेकर जाएंगे, जिससे आप क्या कर पाएंगे, एक बार लेक्चर पढ़िए, फिर उसके बाद जाके के MCQ सॉल्व करिए, तो आपका कॉन्सेप्ट 100% सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, मल्टीमीडिया। ठीक है, अब इसमें मल्टीमीडिया का उपयोग, मल्टीमीडिया क्या होता है पूछेंगे, तो मल्टीमीडिया क्या होता है, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, एनिमेशन हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी मल्टीमीडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ, जैसे गेमिंग सेक्टर हो गया, गेमिंग आप करते हैं उसमें यूज़ हो जाता है, और टेलीविजन्स में देखेंगे मल्टीमीडिया का आपको बहुत ज़्यादा उपयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, वर्ड में कुछ लिखते हैं वो टेक्स्ट हो गया, वो भी मल्टीमीडिया का एक प्रकार है। ठीक है, आप ऑडियो देख लीजिए, कोई म्यूज़िक सुन लीजिए, वो भी मल्टीमीडिया है। तो इस तरीके से मल्टीमीडिया का उपयोग क्या क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ना है, और इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि वीडियो की कई फॉर्मेटिंग पूछ ली, जैसे यूट्यूब से एक क्वेश्चन आया था कि यूट्यूब किस प्रकार की साइट है, ये वीडियो शेयरिंग साइट है, ये आपको डाउनलोड करने के लिए अभी अभी इसने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, बट पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में वीडियो शेयरिंग साइट ही होता है। ये भी वीडियोज जो परमानेंटली आपके जो सिस्टम है उसमें सेव नहीं होते हैं, यूट्यूब के सर्वर पे ही सेव होते हैं, तो इसीलिए यूट्यूब एक
वीडियो शेयरिंग साइट। तो इस तरीके से मल्टीमीडिया के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सीडी डीवीडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सीडी डीवीडी नाम दिया है लेकिन आपको क्वेश्चन पूरे मेमोरी से आएंगे कि भाई कंप्यूटर की मेमोरी में क्या क्या होता है, या मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स होती है, क्या रोम है, क्या रैम है, क्या मेमोरी के साइजेस होते हैं। ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीडी डीवीडी दिया है तो सीडी डीवीडी तक आप सीमित रहेंगे, नहीं, एसडीडी भी पूछा गया है, ब्लू रे भी पूछा गया है, इनको सीक्वेंस में जमाना भी पूछा गया है। ठीक है, तो सीडी डीवीडी काफ़ी डीप में पढ़ना है आपको। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, कैशे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। फिर उसके बाद जो आपके एक्सटर्नल मेमोरी उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में आएगा कि सॉलिड स्टेट में क्या है, ऑप्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल में भी क्या सीडी डीवीडी ब्लू रे सारा कुछ हमको डिटेल में पढ़ना है, यूएसबी मेमोरी एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ भी आपको डिटेल में हमारी लेक्चर सीरीज में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर्च इंजन। अब देखिए अब ये भी क्वेश्चन आते हैं क्लासिफिकेशन टाइप के, मतलब आपको ऐसा किया जाएगा कि दो तीन सर्च इंजन के नाम दे दिए, साथ में बीच में एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि कॉमनली जो नाम होते हैं ना वो हम सुन करके उसको हम मतलब दो तीन तो एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, मतलब दो एलिमिनेट हो जाए, लेकिन एक आध नाम ऐसा होता है जिसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, आपको बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। लगभग 20 ऑपरेटिंग सिस्टम या 25 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम या सर्च इंजन के नाम याद रख लीजिए, उसको बार बार रोज़ाना रिपीट करिए। ऐसे करने से क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको याद हो जाएंगे और साथ ही सर्च इंजन के नाम भी याद हो जाएंगे। जब अगर क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें से एलिमिनेट करके या दो चार ऑप्शंस दिए सर्च इंजन के नाम साथ में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे दिए, तो उसमें आप इजीली एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो गाइस ये हो गए हमारे 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और इन्हीं में जो कंप्यूटर है उस 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी स्कोरिंग होता है। ये जो सारी लेक्चर सीरीज है आपको कम्प्लीटली हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी जो है onlyconcept.online। ये वेबसाइट इसी तरीके से डिज़ाइन की जा रही है ताकि आपके पढ़ने का जो प्रिपरेशन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, जो भी सुविधाएं चाहिए वो आपको इस वेबसाइट के ज़रिए मिल जाएगी। तो गाइज कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।